ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। चौबे जी की कृपा हुई, उन्होंने बाबा साहब से पूछा और बाबा साहब ने अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह मैं पहली बार अक्टूबर 2003 में दीपावली से लगभग एक सप्ताह पूर्व में उज्जैन गया बाबा साहब के दर्शन करने। सामान्य रूप से ऐसे सिद्ध संतों के तो दर्शन हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती है, फिर कुछ साधना कृपा प्रसाद मिल जाए यह तो पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य कर्मों का फल माना जाना चाहिए। पहली बार गया, रात्रि उन्होंने रोका, रुकने की कहा और रात्रि में ही एक विलक्षण प्रयोग उन्होंने साधना का मुझे प्रदान किया। ये पहली बार ही उनकी कृपा हुई। दूसरे दिन जब मैं कोटा आने लगा तो गेट तक छोड़ने आए और उन्होंने मुझसे कहा, किसी बात की चिंता नहीं कीजिएगा, हमने आपको अपना छोटा भाई माना है। ये शब्द आज भी मेरे कान में गूंजते हैं उनके कृपा के। इस घटना के लगभग एक महीने बाद चौबे जी का मेरे पास टेलीफोन आया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अभी जयपुर से लौट रहे हैं, उन्होंने आपका नंबर लिया है और वो आपसे मिल के आना चाहते हैं। मैं बड़ा, जैसा उनके बारे में सुन रखा, जैसा जानकारी सब कुछ सिद्ध संत एक बार मिल चुका और महीना भर कुल हुआ, मेरी जो मनस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं। मैं रुका, उनकी व्यवस्था एक पता बताया, वहाँ से उनको मैं अपने क्वार्टर में लेकर आया। उस समय मैं जॉब में नौकरी में ही था, विज्ञान नगर की PNT कॉलोनी में रहता था, सेकंड फ्लोर पर मेरा फ्लैट था। आया वहाँ, गाड़ी वहाँ रुकी, 42 गाड़ी थी आपके पास। सेकंड फ्लोर पर ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़े, 126 से ऊपर की आयु और आप ऊपर चढ़े। वहाँ पर मैंने जो फलाहार की व्यवस्था कर रखी थी वो ग्रहण किया उन्होंने, और चलते समय उन्होंने कहा, आप अकेले यहाँ क्या करेंगे, चलिए हमारे साथ भवानी मंडी, आज रात्रि विश्राम हमारा चौबे जी के वहाँ हैं, वहीं रुकेंगे एक दो दिन, आप भी हमारे साथ चलिए। और वो मुझे भी साथ लेकर के भवानी मंडी पहुँचे। भवानी मंडी के वहाँ चौबे जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा, बकानी में एक आश्रम ब्रह्मचारी जी, अब वो ब्रह्मलीन हो गए हैं, वो बड़ी उनकी आकांक्षा बरसों से बाबा साहब के दर्शन करने की, लेकिन कुछ योग नहीं बैठ पा रहा। चौबे जी ने कहा, बड़ी इच्छा उनकी, लेकिन संयोग ऐसा है अभी आप भी यहाँ हैं, लेकिन वो गिर गए, उनके कूल्हे में फ्रैक्चर हो गया, वो यहाँ भवानी मंडी में उषाकाली में कॉलोनी में उनके एक भक्त हैं डॉक्टर सोनी साहब, उनके यहाँ विश्राम कर रहे हैं, लेकिन वो इस स्थिति में एक लाचार है बाबा साहब, वो आ नहीं सकते, बड़ी मजबूरी है उनकी, लेकिन उनकी बड़ी आकांक्षा आपके दर्शन करने की बरसों से। बाबा साहब ने कहा, वो लाचार होंगे, हम लाचार नहीं हैं, हम चलेंगे उनसे कल मिलने और खबर कीजिए उनको। दूसरे दिन उनको खबर की डॉक्टर सोनी साहब के यहाँ, दूसरे दिन हम पहुँचे सोनी साहब के घर, डॉक्टर साहब के उषा कॉलोनी में ब्रह्मचारी जी से मिलने। वहाँ जो देखा मैंने, जो सुना, वो मुझे वो थोड़ा ध्यान देने जैसा। ब्रह्मचारी जी बड़े भाव विवल, वो अपने विचारों को व्यक्त करने में नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे, आंखों से अश्रु थोड़े व्यवस्थित हुए। उन्होंने कहा कि मैं 50 वर्षों से आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहा हूं, आज आपने स्वयं घर पधार के दर्शन किए, मैं कैसे आपका ये इस तरह से। ब्रह्मचारी जी ने कहा कि जब मैंने संन्यास लिया, युवावस्था मेरी करीब 25 साल की आयु, और पहली बार मैं हिमालय की यात्रा पे गया। हिमालय की यात्रा पे जाने वालों की तो एक ही आकांक्षा रहती है कि किसी सिद्ध संत के दर्शन हो जाए, उनकी कृपा मिल जाए। जैसे मैं चाहता था, जैसे मैंने चर्चा की वहाँ के साधु संतों से मिलकर, तो सबने नाम बताया, जैसे आप कह रहे हो ऐसे तो एक ही संत, वो भैरवानंद जी, और मुझे मैं उनका पता बताया, मैं आपसे मिलने के लिए आपके आश्रम की तरफ चला। बीच में रास्ते में दो साधु मिले, उन्होंने चमका दिया मुझे, भाई बाबा साहब ने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि काम मौत के मुंह में जा रहा है, वो तो बहुत खतरनाक साधु है, जिंदा आदमी को मार के खा जाता है। मैं डर गया, नहीं आई हुई थी, कुछ समझ नहीं आया, वापस आ गया, फिर दो एक दिन रुका, घूमा कोई और मिल जाए। सब संतों ने कहा कि जैसे आप कह रहे हो वैसे तो एक ही संत वही। आखिरकार 3-4 दिन वहाँ रहने के बाद मैंने मन में निर्णय किया कि मार के खाएंगे तो खा जाएंगे, लेकिन चलना उनके दर्शन करने। इस तरह मैं आपके आश्रम पहुँचा। बाबा साहब ने कहा, वहाँ क्या देखा, क्या मिला आपको? कि मेरा दुर्भाग्य उस आपके दर्शन नहीं हुए,
मैंने आवाज लगाई, घूमा आसपास, देखा आप नहीं थे, धुना जागृत था, लकड़ी की लाइन लगी हुई थी, ये मैंने देखा। बाबा साहब मुस्कुराए कि साहब मैं तब से आपके दर्शनों की प्रतीक्षा में हूँ, 50 वर्षों से मैं आपके दर्शनों की प्रतीक्षा में हूँ और आज आपने घर प्रधान के दर्शन किए। बड़े भाव विभल, ऐसी स्थिति कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, ये ब्रह्मचारी जी की स्थिति मैंने देखी। बाबा साहब से मेरा पहली बार उज्जैन में मिला, दूसरी बात महीने बर्बादी। मेरे मन में प्रश्न आ रहा है, ब्रह्मचारी जी हिमालय पहुंचना कोई छोटी मोटी बात, इतना कष्ट वहां पहुंच करके पहुंचे, दर्शन नहीं। और महीने भर बाद बाबा साहब वहां पधार गए जहां मैं रहता हूं, और वहां साथ लेकर के आए हुए, एक महीना नहीं हुआ। क्या है इसके पीछे? लेकिन सामर्थ्य नहीं पूछने की उस समय। तो बाद में 7 वर्ष उनसे मेरा संपर्क रहा, बाद में फिर बात हुई इस बारे में। 24 नवंबर 1879 आपका जन्मदिवस, 23 जून 2011 को नेपाल नारायणी नदी में आपने जल समाधि ली, 132 वर्ष आप इस दिव्य शरीर में रहे, आज भी हैं। ये शरीर जरूर उन्होंने त्याग दिया, लेकिन उनका कृपा वो आज भी किसी भी स्वरूप में है, लेकिन उनका अस्तित्व तो आज भी है। कुछ दिनों के बाद 4-5 महीने गुजरे होंगे, इसके बाद फिर वो नाथद्वारा से एक बार लौटते समय उन्होंने फिर मुझको कोटा से पहले समाचार किया और साथ लेकर के वो भवानी मंडी पहुंचे। भवानी मंडी वहां पर जोबी जी क्या रुकना हुआ, रुक करके दूसरे दिन वहां हिंगलाजगढ़ में, हिंगलाजगढ़ माता जी के मंदिर के पिछले वीडियो में चर्चा की, फिर योजना बनी दर्शन करने चलना की। 2 गाड़ियां थी, भक्त और भी थे भवानी मंडी के साथ में, हम सब हिंगलाजगढ़ पहुंचे। माता जी के मंदिर में पूजन, चोला वगैरह चढ़ा करके सामने चबूतरे पर सब बैठे हुए, मैया जून का समय रहा होगा, एकाएक तेज हवा चलने लगी। ऐसी तेज आंधी, ऐसी हवा के पेड़ के पत्ते, डालियां नहीं, पेड़ के तने हिलने लगे। जंगल गढ़ वहां पर, गढ़ एक तरह से उजाड़ सा है वो, एकांत सा, और ऐसी बुरी तेज हवा, घबरा गए सब, मनुष्य उड़ जाए ऐसी तेज हवा, सबके सब पड़े विचलित। लेकिन क्या बोले, सब बैठे हुए, बहुत बुरी स्थिति, इतनी तेज हवा। बाबा साहब ने केवल एक, मैंने जो हमने सबने देखा विचलित, क्या क्या नहीं, आज भी उस घटना को याद करते हैं। उन्होंने हाथ का इशारा किया एक कोने की तरफ, उन्होंने कहा हे क्या है ये, बस केवल इतना बोलना था। और हवा ऐसे रुकी जैसे चल ही नहीं रही हो, बिल्कुल शांत। पेड़ों के तले, पेड़ों की डालियां तो क्या पत्ता तक हिलना बंद हो गया। मैंने एक वीडियो में बोला है कि आपके हाथ के इशारे पर हवा पानी को रुख बदलते देखा है मैंने, तो ये हवा को इस तरह रुख होते मैंने मेरी आंखों से देखा, ये मेरी आंखों के सामने की घटना। चौबे जी के सामने उन्होंने बताया किस तरह से चल के, जो चौबे ने एक तरह से, जो चौबे जी ने आंखों से देखा एक तरह से मैंने वो मेरी आंखों से देखा, इतना सत्य है वो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपके हाथ के इशारे पर हवा पानी को रुख बदलते देखा मैंने। बाबा साहब की ऐसी हस्ती, उज्जैन में डबराल बाबा विराजते हैं, उज्जैन वाले परिचित होंगे अच्छी तरह से, आप में से कई परिचित होंगे, मिले होंगे। वो चावल से मंगवाते थे अपने घर से, और वो चावल देख करके भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताते थे, भगवान भैरव की सिद्धि थी उनको। मैं वहाँ उज्जैन था, संयोग से चौबे जी का भी वहाँ आना हुआ, और चौबे जी को अपने कुल भैरव देवता के बारे में कुछ जानकारी के लिए डबराल बाबा साहब के पास जाना था। चौबे जी ने मुझसे पूछा कि आप चल रहे हो क्या वहाँ, जानते हो? संयोग से मैंने बाबा डबराल बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ सुना था, पढ़ा था बहुत पत्रिकाओं में, लेकिन कभी दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला। वो बात के लिए उन्होंने चल बाबा साहब से कहा, उन्होंने कहा जाइए। वो चावल मंगवाते थे घर से, बाबा साहब ने घर में आदेश किया, हमको दो चावल की पुड़ियाएं दो, दे दी गई। जब वो बैठक करते थे डबराल बाबा साहब, सामने एक व्यक्ति बैठता था, वो मंगवाते थे एक चावल घर से और एक गुलाब का फूल और एक बिस्किट का पैकेट पार्ले जी का। एक व्यक्ति सामने बैठ करके बिस्किट का पैकेट, गुलाब का फूल ये बेचा करता था। हमने वहां से गुलाब का फूल और बिस्किट वहां से ले लिया, चावल हम साथ लेके गए थे।
पहले चौबे जी गए, वो उनकी बातचीत जो भी उनकी व्यक्तिगत हुई वो करके आगे मैं गया। मैंने रखा चावल जैसे रखे मैंने, और वो पुष्प और बिस्किट का पैकेट रखा। पहला उन्होंने जो बात कही छूटते ही, पहली बात जो बोली डबराल बाबा साहब ने, उन्होंने कहा कि आप चावल के पैसे देके नहीं आए। बात बिल्कुल सही थी। अगर घर से लेके जाते हम चावल अपने घर से, तो खरीद के लाते, पैसे दिए हुए होते ही हैं। मैं तो जहाँ बाबा साहब के रुका हुआ था, चावल की पुड़िया उनके घर से बांध के दी गई थी, मैं पैसे दे के कहाँ गया था। बड़ी बात विचित्र। उन्होंने कोई बात नहीं, ऐसा करो उसकी कीमत के रेंज में एक रुपये का सिक्का आप रख दो। मैंने कुछ पर्स में से निकाल के कुछ रख दिए। दूसरी बात उन्होंने बोली, डबराल बाबा साहब ने कहा भैरव मंदिर से आ रहे हो, तो मैं ये समझा, ये आप ये अंदाज लगा रहे कि मैं किसी भैरव भगवान के मंदिर में ठहरा हुआ हूँ। तो मैंने कहा नहीं साहब, मैंने निवेदन किया, मैंने कहा साहब भैरवानंद जी कापाली महाराज के ठहरा हुआ हूँ, मैं वहाँ से आ रहा हूँ। उन्होंने कहा यही तो हम कह रहे हैं, वो साक्षात भैरव ही तो हैं, और जहाँ वो विराजते हैं वो उनका मंदिर तो है। भगवान बाबा साहब साक्षात शिव स्वरूप थे, ये तो मैं मानता ही था। डबराल बाबा साहब कह रहे हैं वो साक्षात भैरव ही तो हैं, और भैरव भैरव शिव का ही तो अंश होता है। ऐसे सिद्ध संत, ऐसे सिद्ध पुरुष, उनकी लगभग 7 वर्षों तक उनकी कृपा रही, उनके सानिध्य में रहा। ये जब घटना दोनों आज भी याद आती, उन कितनी ही घटनाएं हैं ऐसी जो आश्चर्यचकित करती हैं। बाबा साहब ने, तारा के उपासक थे आप, उज्जैन के दशहरा मैदान में मातेश्वरी भगवती तारा का मंदिर बनवाया आपने। चौबे जी ने पूछा तो ये इतने मंदिर हैं एक मंदिर, बाबा साहब ने कहा तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती तारा। उज्जैन बहुत सिद्ध स्थान है, लेकिन मातेश्वरी का, भगवती तारा का यहाँ एक भी मंदिर नहीं, इसलिए वो मंदिर बनाया। आप यदि तंत्र में जो भी आस्था रखते हो, तंत्र में दीक्षा गति की उन्हें चाहिए कि वो मातेश्वरी के दर्शन अवश्य करें। जब भी आपको उज्जैन जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, महाकाल के दर्शन करने के बाद दशहरा मैदान में मातेश्वरी भगवती तारा के दर्शन अवश्य करने चाहिए। आपको यदि समय मिले आप अवश्य कीजिए। वहाँ पर राम कुमार जी शर्मा, वहाँ पंडित जी वो सेवा करते हैं। 92 से अपनी बाल्यावस्था से वो बाबा साहब के संपर्क में हैं। आप चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ जानने समझने को आपको मिलेगा। बाबा साहब के बारे में लंबा अंतराल, लंबा समय उनके साथ रहा हूँ। जैसी कृपा के मैंने तो उदाहरण बताया आपको, पहली बार मिला उन्होंने कुछ दीक्षा का, वो यही कहेंगे उनको एक विलक्षण प्रयोग दिया है साधना का, और महीने भर बाद आप वहाँ पधार गए जहाँ मैं रहता हूँ। वो कितनी मेरे जीवन की ऐसी घटनाएं जो आज भी मुझे विस्मित अचंभित करती, चकित करती है। ब्रह्मचारी सद संत सिद्ध, उनको 50 वर्षों तक दर्शन नहीं हो पाए, हिमालय गए वहाँ नहीं मिल पाए, और मुझे महीने भर बाद दर्शन और साथ रहा, इतना सानिध्य रहा, उनका स्नेह प्रेम आज भी याद आता है। मैं शब्दों में उनकी उसको बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता किस तरह उनका स्नेह, किस तरह प्रेम रहा, किस तरह वर्षा हुई है उनकी, क्या कुछ दिया है उन्होंने। उसी में से बहुत कुछ में आम जनता के हित के लिए जो कुछ होता है, जो सबका कल्याण हो सके, मंत्र विज्ञान में मैं शेयर करता रहता हूँ। जब कोई व्यक्ति किस तरह से कमेंट करते तो मुझे हंसी आती उन नादानों के ऊपर, हंसने की सिवा करूँ क्या। तो बाबा साहब की कृपा इतने ही, आज के वीडियो में यही, कभी मौका मिला, समय मिला, अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे। तो आप सबके ऊपर, आपके सबके गुरुजनों की और इष्ट देव की कृपा, इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।